जाएंगे वहां तक। हेलो गाइस, अब आ चुके हम घर और हम घुसे कंबल के अंदर और हम गए थे आज चोरी खाल जहाँ की बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी और ये आर्यन मेरे साथ और हमने आज बनाया है चोरी खाल का ब्लॉग जिसमें पड़ी हुई थी बर्फ वहाँ पे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज कर रखा है कि कहीं बर्फ वाली जगह पे जाओ और हमारे लिए ब्लॉग बनाओ। तो हम मैं तो जा नहीं पाया, मेरे को काम था इसलिए रोहित गया। तो हमने आपके लिए वहाँ पे ब्लॉग बनाया और बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी, हमारे जूते भी गिल्ले हो गए बर्फ में जाके और हमारे पाँव ऐसे हो गए सुन और हमारे हाथ भी ऐसे हो गए थे सुन, फिर भी हमने आपके लिए ब्लॉग बनाया। तो इसलिए आप हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार आप तो समझोगे नहीं क्योंकि आप तो वहाँ जा नहीं रखे थे, तो हमारी अपनी हम ही समझ सकते हैं यार हम कितने दुखी हुए वहाँ पे, क्योंकि हमारे हाथ कैसे सुन हुए, हमने क्या क्या खाया क्या पिया, हमारे कितने रुपए खर्च हुए वो तो हम आपको बताएंगे नहीं हमारे कितने भी रुपए खर्च हुए, पर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, हमारे लिए वही बहुत है, हमारे लिए वही उसमें ही हमें खुशी मिल जाएगी, हमने पैसे वसूल उसमें ही समझ लेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे आर्यन कोहली जी बोलेंगे आप। बाकी अब क्या बोलना, बोल दिया जो रोहित ने बोलना था, काफ़ी मेहनत लगी है उसकी इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम आपके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जा रहे हैं आज चोरी खाल, जो कि हमारे गांव से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारे गांव में बर्फ नहीं पड़ी अभी, तो हम ये ब्लॉग शूट करने के लिए चोरी खाल जा रहे हैं और मेरे साथ है मुकेश भाई, तो हम अपनी बाइक से जा रहे हैं और हम आपको आज थोड़ा बर्फ पड़ी है अच्छी, तो हम वहाँ का ब्लॉग बना के दिखाएंगे और हमारे गांव में भी बर्फ पड़ेगी और हम आपको वहाँ का भी ब्लॉग दिखाएंगे। तो हमारे गांव में थोड़ा लेट पड़ती है तो जिसके कारण हमें ब्लॉग बनाना जरूरी था और आर्यन आज आ नहीं पाया, उसको वो भी आ रहा था पर मैंने उसको कॉल नहीं किया, तो उसने मेरे को अभी उसका फ़ोन आया था, वो बोल रहा था आपने मेरे को फ़ोन नहीं किया, मैं भी आता क्योंकि उसको मैंने कल रात फ़ोन किया था, तो वो बोल रहा था कि मैं कल कहीं उसको जाना है मेरे को कि तो तू चले जाना और तू ब्लॉग बना के ले आना। देखो भाई कितनी भयंकर बर्फ पड़ी है और एक कली पड़ी है रात को, ये आप देख सकते हैं ये इधर पूरा है चोरी खाल बरसार पूरा इधर, ये आप देख सकते हैं और हम कैसे भाई है गाड़ी चला रहे हैं और अभी हमें वहीं जाना है नैनीधार में काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है। चोरी खाल पहुँच गए, नैनीधार में नज़ारा हो गया, ये नैनीधार है और हमें जाना है उधर चोरी खाल है उधर, अभी हम घुटने तक की बर्फ में जाएंगे और आपको पूरी बर्फ का नज़ारा दिखाएंगे और मेरा कैमरा थोड़ा हिल भी रहा होगा क्योंकि बाइक में है हम, तो थोड़ा कैमरा थोड़ा हिलेगा तो है ही। नज़ारा देखिए हाथ में बर्फ का नज़ारा और आप ये नज़ारा देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और हम आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ अभी बर्फ पड़ी रही होगी शायद, जहाँ तक कि हमारा अनुमान है क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है उधर, तो वहाँ बर्फ़ पड़ने की अभी संभावना है और यहाँ टेम्परेचर इस टाइम -2 पे है
और ये देख सकते हैं आप आगे से हमारे गाड़ी आ चुकी है, और ये भाई हमें देख के थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या पता हमारे पिछले जन्म में दोस्त रहे होंगे, या तो क्या पता हमने इनकी गर्लफ्रेंड भगा के ले गए, पता नहीं पर क्यों हंस रहे हैं, पर हंस रहे हैं हमें देख के। और ये देखिए आप नजारा, ठंडी ठंडी तक हो रखा है बर्फ, और अभी यहाँ पे ना धूप है, पर उधर आप देख सकते हैं उधर मौसम कैसा है, यहाँ पे धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर आप देख सकते हैं ये हमारे बहुत ही पास है। ये देखिए नजारा, ये देखो अभी हम उधर से आए हैं, उधर भी रास्ते पे बहुत बर्फ पड़ी हुई थी, पर हमें आना इधर इस गांव में, गांव से भी आगे आना है, इस गांव में भी आप देख सकते हैं पूरी बर्फ पड़ी है। ये देखो गाइस वहां पे से वो रोड है, उधर रोड से ये वाली रोड से, ये जो दिख रही होगी आपको ये वाली रोड, इससे हम आए हैं, और ऊपर रोड के पूरी बर्फ पड़ी हुई थी, इधर से हम अभी आए हैं। ये देखो गांव में पूरी बर्फ पड़ी है इधर। बर्फ थोड़ा कम चुकी है, थोड़ी बहुत ही है ना रिश्तों में पड़ी हुई है, और हमें जाना है ऊपर, ऊपर अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, देखिए इधर अभी थोड़ी बहुत ही है। ये देखो यहाँ क्या है, सफेद हो रहा है, ये देखो अभी हमें वही जाना है ऊपर, अभी हमें वही ऊपर जाना है। अब क्या करूं रे, एक और धारा भी मत बहस के। जिया अब क्या करूं रे, रात भर घूमने बहुत ही बढ़िया वाली बर्फ पड़ी है, और हम पहुंच चुके हैं करीबन ऊपर ही, बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे आज तक हमारा व्लॉग देखते रहिए। यहाँ बहुत ही ज्यादा मेरे तो हाथ ऐसे सुन्न हो रहे हैं व्लॉग बनाते हुए, भाई साहब
हाथ बाहर नहीं है, देखो ऐसे हो गए हाथ की क्या बोलूं, ठंडी इतनी हो रही है। टेम्परेचर हो रहा है -4 और बर्फ भी पड़ी है बहुत भयंकर, देख सकते हैं आप। हमें कुल्लू मनाली वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में ही बढ़िया बर्फ पड़ जाती है, तो हमें कुल्लू मनाली फालतू का 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करो, गाड़ी बुक करके जाओ, इतना उससे बढ़िया 100 रुपये का टिकट लो बैजरों से, 100 रुपये का भी नहीं है, 30-40 रुपये लगता है चोरी खाल तक, 30-40 रुपये का टिकट लो और अपना चोरी खा जाओ और बर्फ के मजे लो। कहाँ कुल्लू मनाली जाके 200-300 तो कम ही बोलो, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का जो गाड़ी बुक कराओ। और देखो मूर्ति बड़ी हुई है, क्योंकि आज ठंड में यार बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, ब्लॉग भी नहीं बनाया जा रहा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाथ भी ठंडे हो गए, जूते भी पूरे तरीके से 28 किलोमीटर है, दोनों चाय पिए जाएगी, चिपल घाट में इस टाइम इतना चिपला नहीं है जितना यहाँ चिपला है। चिपल घाट में इस टाइम तो गाइस मैं अभी हूँ चोरी खाल में, जो कि हमारे, मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव से 30-35 किलोमीटर ऊपर है, 30-35 किलोमीटर तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बर्फ कैसे पड़ी है, ये देखो, और आपके लिए हमने पूरा ब्लॉग बनाया है, और आपको हमने ये भी बोला कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर भी बहुत स्लिप हो रहे हैं, बारिश में पैर तो स्लिप होंगे, ये देख सकते हैं आप, बारिश में कह रहा हूँ बर्फ में पैर स्लिप हो रहे हैं, कि मतलब आदमी अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो स्लिप होके नीचे ही पहुँचेगा सीधा। बाकी आप हमारे ब्लॉग को देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और हम आपको ये देखिए बर्फ के नज़ारे, अब हम जा रहे हैं चोरी खाल से आगे, और आप देख सकते हो बर्फ कितनी पड़ी हुई है,
गाइस व्लॉग कुछ भले ही छोटा होगा पर बढ़िया होगा। बरसात 10 किलोमीटर कम नहीं थी क्या? ये देखो कितना सारी बर्फ पड़ी है। मशीन ने कर रखे है ये जैसी मशीन आ गई थी पीडब्ल्यूडी जैसी भी मशीन आई थी अभी यहाँ पे और हमारे खुट भी चिपल रहे हैं और हमारी मोटरसाइकिल के टायर भी इतने आगे जाएंगे हम हिमालय पर्वत अभी हम पूरे एवरेस्ट तक जाएंगे वहाँ तक बोलना था ना वो नहीं ये देख सकते हो समान जरा ऐसा निकाला पर यहाँ आप देख सकते हैं एक एक फिट तक बर्फ पड़ी है। देखो ये मेरा पूरा हाथ डूब गया है ये देखो पूरा हाथ डूब चुका है अंदर आगे जाना ठीक नहीं है भाई चलो तो थोड़ा सा गाड़ी बहुत स्लिप खा रही है। देखो ऊपर पेड़ों में तक बर्फ पड़ी है गाड़ी स्लिप खा रही भाई हमारी गाड़ी भी स्लिप खा रही है पर हम आपको आगे तक का व्लॉग दिखाएंगे। एचएस वाले ने कम ही ब्लेड मना रखा है अरे प्री मेरे को अरे अरे सामने ही घूम रहा है ये देखो अरे गाड़ी बिल्कुल आगे तो फट गई ये अरे बिल्कुल ओए कमाल यार ओ मैन ऐसे ठीक नहीं है कल नहीं भाई क्या आज तो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और हम यहीं पे आपको यहीं का ब्लॉग दिखाएंगे लोग जाएगा साइड हम लगा जाओ हाँ भाई साहब यहीं पे साइड में बाइक लगा दीजिए आप यहाँ से आगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है ये देखो ये बाइक है और बाइक से ही ऊपर बर्फ जमी है इतना बर्फ हो तो इतनी तो हमारी बाइक की हाइट है और ये बाइक से भी ऊपर तक बर्फ जमी है भाई यहाँ से ऊपर जाने का हमारा हितमन नहीं हम हाँ
हम यहाँ से भी आगे जा रहे थे पर हमने आगे जाना बहुत कैंसिल ही कर दिया। आप देखो ये आप देख सकते हैं पेड़ों के ऊपर तक भाई अभी तक भाई ये देखो ये देखो गाइस इधर देखो मुकेश भाई इधर देखो वीडियो बन रही फोटो भी खींच रही है। बुला पी ले बुला यूं तरक दे मुंडमा रात भर झूम रही रे अब क्या करूं रे रात भर जानवर यू रे बम बम बोले ले घर वाली जान पे कोई मैल विधि नहीं मानी घर वाली नहीं मान रहे तभी तो यूं हम चाहता तू अगला उम्र फेट सगड़ नहीं होने अब क्या कर अगला उम्र ले वर्तमान अब क्या करूं रे घर वाली में गहने जी सगे अब क्या करूं रे घर वाली मेरे मैं तो भाज गए भाज रे घर में भाज गए नीचे मजा खाई है ठंड होगी यार अबे हाँ ठंड हो गया यार बहुत बेहद ओहो सेकंड देख रहा हूँ चलना सी हाँ चलो गाइस आप यही तक समाप्त है हम भी ठंड हो रखे क्या पता हम दूसरे दिन के लिए बनाने के लिए नहीं गए आज ही हम समाप्त करते इसको दोबारा बर्फ पड़ने लग गई है बहुत हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है आपको दिख नहीं रही होगी शायद कैमरे में पर पड़ रही है दोबारा बर्फ पड़ने लग गई है।
ये देखो बाइक की गद्दी भी, ये देखो बर्फ पड़ने लग गई, बर्फ पड़ने लग चुकी है दोबारा। बाकी अब ये देखो आप देख सकते हैं बाहर बर्फ पड़ने लग गई है धीरे धीरे। आगे तो बहुत बेकार है अभी भाई साहब, स्लिप खा रही है रास्ता। ये डोजर कहाँ पे लगा हुआ है? आप लोग हम तो यही से आ रहे हैं बस, यही से, हमें आगे नहीं गया, हम वापस जा रहे हैं। टायर फ्लिप हो रहे हैं ना, टायर से वो लगा हुआ है। अभी 2-4 किलोमीटर आगे तक बर्फ है, ये देखो बर्फ दोबारा पड़ने लग गई है। बरसात से डोजर भी लगा हुआ था। हाँ वो जेसीबी तो लगा हुआ है, पर आगे जाने का रास्ता बेकार है, अभी आगे जाना बेकार है। तो वापस आ गए, यहीं से आ गए। ये देख रहे हो आप, दोबारा बर्फ पड़ने लग गई। यार मुझे तो यार पटना नहीं जाना है। ये देखो दोबारा बर्फ पड़ने लग गई अब तो। और मैं आ चुका हूँ, मैं तो वेदरों से आ रहा हूँ। वेदरों की काम भी, अरे तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, कहते हैं कुर्सी को छोड़ने के लिए। बर्फ भी पड़ने लग गई है, देखे गाइस बर्फ पड़ रही है हल्की हल्की। चले चले निकल आता हूँ।